हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज फॉर उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2020। सो इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस पे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 मार्क्स का आता है हमारा पेपर और इसमें आता है 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके एमसीक्यूज आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं 70 मार्क्स के सब्जेक्ट के सिलेबस पे। ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस 70 मार्क्स का। इसके जो टॉपिक्स हैं, इनको आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका ग्रामर एंड इंग्लिश यूसेज। इसमें से आपसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की ग्रामर पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे बहुत इनडेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, पर्सनल यूज़ हुआ है, रेसिप्रोकल यूज़ हुआ है या रिफ्लेक्टिव यूज़ हुआ है, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। टेंसेस से भी आपसे बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस आएंगे, जो कि थोड़ी सरफेस लेवल के होंगे। इसके बाद आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उनमें से होंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फिलिंग द करेक्ट वर्ड। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना होगा, वो भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो फ्रेंड्स, ग्रामर एंड इंग्लिश यूसेज के बाद सेकंड टर्म दिया है ड्रामा। ड्रामा अपने आप में बहुत वाइड है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट बता देती हूँ जिन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है एलटी के एग्जाम के लिए। जिनमें सबसे पहले आता है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर में से आप 5 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे इसमें से, और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। सेकंडली, आपको यूनिवर्सिटी विट्स प्रिपेयर करना है, और यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो, तो उन्हें आप ज़रूर प्रिपेयर करें। उसके बाद हैं बेन जॉनसन। आफ्टर शेक्सपियर अगर आप किसी राइटर को प्रिपेयर करें तो वो है बेन जॉनसन ड्रामा में। और देन रिस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट, जिसमें ड्राइडन और कॉनग्रीव, वाइशर्ली, वेनब्रू, ये सारे इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, इनके वर्क्स को भी आप प्रिपेयर करते हुए चलें। देन मॉडर्न ड्रामा में आपको जी बी शॉ, हैरोल्ड पिंटर, आर्थर मिलर, ये सब ड्रामेटिस्ट प्रिपेयर करने हैं। ड्रामा के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रिटिश प्रोज। ब्रिटिश प्रोज के लिए भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स बता देती हूँ जिन्हें आप ज़रूर पढ़कर जाएं। इनमें सबसे पहला है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के आपको सभी इंपॉर्टेंट एसेज पढ़ने हैं। इसके सिवा जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं लाइक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, न्यू अटलांटिस, ये कब कब पब्लिश हुई थी, ये आपको प्रिपेयर करना है। और जितने भी मैं आपको प्रोज राइटर बता रही हूँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली जाती है एंड व्हेन दे डाइड ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप प्रिपेयर करें। इसके सिवा नेक्स्ट राइटर है रिचर्ड स्टील एंड देन जोसेफ एडिसन। सो एडिसन और स्टील के जो पीरियोडिकल्स हैं लाइक द टैटलर, द स्पेक्टेटर, इनका क्या ड्यूरेशन रहा था, पब्लिकेशन रहा था, ये आपको प्रिपेयर करना है ज़रूर। देन चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम की ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन के अलावा हाउ ही वॉज रिलेटेड टू साउथ सी हाउस, ये सब आपको प्रिपेयर करना है, एंड ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ एंड वेन दे डाइड ऑल्सो, ठीक है। ए जी गार्डनर, जोनाथन स्विफ्ट इन द सेम वे, एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनकी डिक्शनरी कब पब्लिश हुई थी, कितना टाइम इन्होंने लिया था डिक्शनरी को प्रिपेयर करने में, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और ये सारे राइटर्स, इनके सिवा भी जो इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स आपको लगते हैं, उन सबको आप प्रिपेयर करें। प्रोज के बाद अगर आप देखें तो आपको एक लंबी सी लाइन देखने को मिलती है, जिनमें बेसिकली आपको 3 चीज़ें पूछी हैं। ब्रिटिश पोइट्री 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की, अमेरिकन पोइट्री एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स पूछे गए हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए भी मैं आपको कुछ पोइट्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इन पोइट्स को ज़रूर पढ़ें। इनमें पहले है जॉन मिल्टन, देन जॉन डन, देन जॉन कीट्स, अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, अर्नल्ड एंड टेनिसन, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये सभी हैं ब्रिटिश पोइट्री से। देन अमेरिकन के लिए आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकेंसन, वॉल्ट विटमैन, ये ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। और इंडियन इंग्लिश पोइट्री के लिए आपको ए के रामानुजन, कमला दास और सरोजनी नायडू ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। इन सभी से क्वेश्चन 100% आएंगे एलटी के एग्जाम में। इसके बाद इन्होंने जो आपको टॉपिक दिया है वो है ब्रिटिश फिक्शन। ब्रिटिश फिक्शन में वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, लेकिन जो राइटर मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उनकी एक लिस्ट मैं आपको दे दे रही हूँ यहाँ पे। इनमें सबसे पहले हेनरी फील्डिंग, देन सैमुअल रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, ई.एम. फ्रॉस्टर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ब्रॉन्टी सिस्टर्स, तीनों ब्रॉन्टी सिस्टर्स, देन जोनाथन स्विफ्ट,
एंड जॉर्ज ऑरवेल। इसके सिवा आप एच जी वेल्स और थॉमस डी क्विंसी को भी प्रिपेयर करके चलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखेंगे जो मैंने बना रखे हैं प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, उनमें थॉमस डी क्विंसी और एच जी वेल्स से भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है इंडियन इंग्लिश फिक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो हैं मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण। ये तीनों कहे जाते हैं इंडियन इंग्लिश नॉवल के थ्री पिलर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अनीता देसाई, किरण देसाई, और इनके सिवा प्रिपेयर कर सकते हैं अमिताभ घोष को एंड अरविंद अडिगा को, और इसके सिवा शशि देश पांडे, झुंपा लहरी, इन नॉवलिस्ट को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं इंडियन इंग्लिश फिक्शन के लिए। लास्ट टॉपिक इन्होंने आपको दिया है इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज के लिए आप इन राइटर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें है मुल्कराज आनंद, आर एन टैगोर। आर एन टैगोर को आप पोइट्री के लिए भी ज़रूर प्रिपेयर करें। देन आर के नारायण, झुंपा लहरी, अनीता देसाई एंड रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें। और इसके सिवा मैं बहुत जल्द एमसीक्यू सीरीज शुरू करूंगी एलडी और लेक्चरर के लिए। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।